हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। राइस से बनी तो बहुत ही स्पंजी और सॉफ्ट है, तो मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने राई ली हूँ 3 कटोरी, एक छोटी सी कटोरी है उसी से मैं 3 कटोरी लूँगी राई। ये सबसे छोटी दाने वाली राई है, तो मैंने 3 कटोरी राई ले ली हूँ। और मैंने 2 कटोरी, उसी कटोरी से 2 कटोरी लूँगी दही। ज़्यादा खट्टी हो दही तो आप 1 कटोरी लें, मैं 2 कटोरी ले रही हूँ। उसमें से थोड़ा सा मैं बचा भी ली हूँ। हमारी दही थोड़ी खट्टी है, उतना भी नहीं खट्टी है। ज़्यादा खट्टी हो तो आप 1 कप ही लीजिएगा। इसे हम मिक्स कर लेंगे। और मैं 1 कप पानी ली हूँ, उसे मैं थोड़े थोड़े बीच में डाल करके मैं मिक्स कर लूँगी। एक बैटर तैयार कर लूँगी, ना ज़्यादा मोटा रहे बैटर और ना ही ज़्यादा पतला। बैटर आप देख ही सकती हैं, ऐसी इसकी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। और मैं थोड़ा सा नमक डाली हूँ, सादा नमक, और डाल करके इसे ढक दीजिए थोड़ी देर के लिए, 15 मिनट के लिए। तब तक हम स्टिफिन तैयार कर लेंगे। तो स्टिफिन के लिए मैंने उबला हुआ आलू 2 मैंने कट करके बड़े साइज़ की ले ली हूँ, और मटर उसमें उबाल दी थी, आलू और मटर, और 2 कटी हरी मिर्च बारीक कटी, और बारीक कटा हुआ धनिया। और मैंने कलौंजी और अजवाइन को ले करके हाथों से थोड़ा सा क्रश करके डालिए। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा सा चाट मसाला। आप मसाला चाहें तो स्किप कर सकते हैं, मैं सिर्फ चाट मसाला ही डाली हूँ थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे हाथों से अपने, आसानी से मिक्स हो जाता है मटर भी और आलू भी। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा स्टफिंग तैयार है बन करके। जब तक सूजी हमारी सेट हो रही है, तब तक मैं कटोरी को भी सेट करके इसमें आयल लगा करके रख लें, चारों तरफ इसमें लगा लें। थोड़ा थोड़ा ऑयल रहने दे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर आना ज़रूरी है। तो मैं उसमें ऑयल नहीं डाली हूँ, तो आसानी से हमारा निकल भी जाएगा स्टफिंग। तो मैं सूजी को देख ले रही हूँ, तो सूजी हमारी थोड़ी थिक हो गई है, तो हम थोड़ा सा देख लेंगे इसका। इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा। थोड़ा सा पानी डाल करके इसमें हम इसको फेंट लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 पाउच इनो का। तो इनो हम डाल करके इसमें और मिक्स कर लेंगे। इनो से हमारा स्पंजी और सॉफ्ट बन करके ये नाश्ता तैयार हो जाता है, और अच्छा भी रहता है सेहत के लिए भी। तो हमारा बैटर तैयार हो गया है। तब तक हम स्टिफिन का इसका टिक्की साइज का हम बना लेंगे उसमें बीच में रखने के लिए। तो गोल गोल ऐसे ही हम टिक्की बना लेंगे, टिक्की जैसे गोल बना करके। तो मैंने गोल गोल टिक्की बना ली हूँ। अब हम कटोरी में स्टफिन को डालेंगे, बैटर को, और बैटर को डाल करके हम उसके ऊपर से रखेंगे स्टफिन को। तो हम सारे में स्टिफिन को डाल देंगे।
और उसके ऊपर से हम बैटर डालेंगे। हम सारे में ऊपर से भी बैटर डाल देंगे। हमारा बैटर डाल चुकी हूँ, इसे अच्छे से मैं सेट कर दूँगी, ये अपने आप खुद ही सेट हो जाएगा। तो ये सेट हो गया है, तो मैं इधर पानी रख दी थी और इसमें बॉयल आ चुका है। इसमें हम स्टैंड रखेंगे, स्टैंड तो नहीं है पर गैस के नीचे का जो रहता है वही मैंने निकाल करके इसमें रखी हूँ। इसमें पानी से टच नहीं होना चाहिए कटोरी को, कटोरी थोड़ा ऊपर ही रहे नहीं तो स्टिफिन हमारा सारा निकल जाएगा। इसमें जहाँ पानी से टच हुआ तो ऊपर ही रखेंगे हम, इसको भाप से ही पकाना है हमें। तो मैं डाल करके इसे अच्छे से मैं सेट कर दी हूँ और इसे हम प्लेट से ढक देंगे। अब प्लेट से ढक करके और 15-20 मिनट बाद मैं चेक करूँगी इसे। तो एक नाइफ ली, उससे हम अंदर की तरफ डीप करेंगे। अभी हमारा स्टिफिन लग रहा है नाइफ में, तो हम थोड़ी देर के लिए और इसे छोड़ देंगे और अच्छे से सेट हो जाए। तो मैं थोड़ी देर के लिए और छोड़ दी और फिर से मैं चेक करने जा रही हूँ। तो मैं किनारे से देख रही हूँ क्योंकि आलू का स्टिफिन है जो वो लग रहा है, हमें लग रहा है कि वहीं, तो मैं साइड से पहले चेक करती हूँ। तो साइड से तो एकदम साफ निकला, हमारा रेडी भी हो गया है। ऐसे बीच में से थोड़ा सा आलू का स्टिफिन लग रहा है। तो हमारा ये बन करके रेडी है नाश्ता, तो मैं निकाल लूँगी और निकाल करके इसे किनारे किनारे नाइफ से कट लगा दूंगी कि निकालने में आसानी हो, आसानी से निकल जाएगा। तो हमारा ये हेल्दी नाश्ता बहुत ही आसानी से बन गया है और आसानी से निकल भी गया है। तो हमारा नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। तो हम झटपट ऐसे ही बना करके सारे रेडी कर ली हूँ। तो मैंने लाल टमाटर की चटनी बना ली हूँ, आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं। हमारा टिफिन अंदर है तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी आ रहा है, पर थोड़ा और टेस्टी बनाने के लिए मैं लाल चटनी बना ली हूँ। ये अंदर से भी बहुत ही सॉफ्ट है, तो मैं तोड़ कर दिखा दे रही हूँ आपको तो कि बहुत ही ये स्पंजी और सॉफ्ट बनी है। तो हमारा हेल्दी टेस्टी नाश्ता और झटपट बनने वाली नाश्ता ये तैयार है। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारे वीडियो कैसी लगी।